हेलो गाइज़ व्हाट्सअप एंड वेलकम टू माय चैनल और आज का जो वीडियो है ये है ओ मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना, हाँ इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है अभी सीम कुछ ऐसा हुआ कि मैं पहले हिंदी में ही ब्लॉग बना रहा था तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बंगाली में अगर ब्लॉग बनाऊँगा तो मुझे बोलने में दिक्कत नहीं होगा और बहुत आसानी से बोल सकता हूँ. तो अभी कुछ महीनों तक मैंने बंगाली में ब्लॉग बनाया तो अभी मैं देख रहा हूँ कि बंगाली में ब्लॉग करने से मेरा चैनल का जो रीच है वो बहुत ही कम हो रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बंगाली लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि लिए कमेंट कर रहा है कि आ भाई कुछ समझ नहीं आया आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में बनाओ सो कैसे इसलिए मैंने सोचा कि फिर से हिंदी में ब्लॉग बनाते हैं तो चलो आज से जितना भी ब्लॉग आएगा वो हिंदी में आएगा और बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जिनको अब समझ में आएगा अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं एक लॉन्ग राइड के लिए तो ये जो राइड है ये रहेगा दस दिनों के लिए और करीब करीब फोर थाउजेंड किलोमीटर होगा तो मैं अभी प्रिपरेशन करने वाला हूँ अपने राइड के लिए और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि क्या क्या मैं प्रिपरेशन लेता हूँ और आ, एक लॉन्ग राइड के लिए क्या क्या ज़रूरी है तो मेरे हिसाब से एक लॉन्ग राइड right के लिए पहले आपको चाहिए मेंटल प्रिपरेशन और फिज़िकल प्रिपरेशन क्योंकि आधा राइट के बाद आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ भाई राइट पे क्यों आए हम अरे भाई ये तो बहुत दिक्कत हो गई तो ये सब अगर आपको नहीं झेलना है तो इसलिए आपको फ़िज़िकल और मेंटल प्रिपरेशन लेना चाहिए तो फिज़िकल प्रिपरेशन इसलिए चाहिए क्योंकि आप जब राइड करते हैं तो आपको बहुत देर तक बाइक चलाने होता है तो उसके बाद आप जिस लोकेशन पे जाएंगे तो उस लोकेशन एक्सप्लोर करने के लिए आपको पैदल घूमना पड़ेगा अगर पहाड़ में जा रहे हैं तो आपको पैदल चढ़ना पड़ेगा पहाड़ को उसके साथ आपका लगेज भी रहता है तो इसलिए आपका फिजिकल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है अगर पहले से ही आप हेल्थ कॉन्शस है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप नहीं है जैसे कि मैं तो आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब नॉर्थ सिक्किम गया था तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि फ़िज़िकल फिटनेस कितना ज़रूरी है सुबह so दूसरी जो चीज़ है वो है ये क्योंकि बाइक के बिना आप लॉन्ग राइड पे नहीं जा सकते हैं तो लॉन्ग राइड के लिए आप जो भी चाहे बाइक चूज़ कर सकते हैं आपके पास जो भी बाइक है उससे आप राइड कर सकते हैं ऐसा नहीं कि ये बाइक नहीं जाएगा वो बाइक नहीं जाएगा तो कोई भी बाइक से आप राइड कर सकते हैं तो इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना होगा और अपने आप पे भरोसा रखना होगा कि आप कर सकते हैं और हाँ एक बात ज़रूरी है कि आप जो बाइक लेके जा रहे हैं वो वेल well मेंटेन हो तो जैसे कि फ़र्स्ट आपको सर्विसिंग करवाना है उसके बाद आपको इंजन ऑयल चेंज करना होगा जैसे कि मैंने अभी मोटूल वी डाला हुआ है अपने बाइक पे क्योंकि ये जो मोटूल वी है ये चलता है करीबन चार से पाँच हज़ार किलोमीटर तो लॉन्ग राइड के लिए हमेशा एक अच्छा वाला इंजन ऑयल यूज़ कीजिए तो उसके बाद आपको देखना होगा कि आपका जो डिस्क पैड है उसका कंडीशन कैसा है ब्रेक शू का कंडीशन कैसा है चेन का कंडीशन कैसा है देखिए करीबन 300 से 400 किलोमीटर राइड करने के बाद चेन जो है वो ड्राई हो जाता है तो इसके लिए हम लोगों को चेन को लुब्रिकेट करना पड़ता है तो लुब्रिकेट के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ टूल का चेन लूप ये मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ मोटुल का चेन लूप बहुत अच्छा है और इसीलिए इसको मैं अपने साथ कैरी करूँगा और आपको ये भी देखना होगा कि आपका टायर कैसा है टायर का कंडीशन कैसा है अगर पॉसिबल हो तो आप अपने साथ एक पंचर किट और एक एयर पंप रखिए क्योंकि रास्ते में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर पंचर हो जाए तो आप खुद से ही वो उसको ठीक कर सकते हैं आपका बाइक का एक पूरा चेकअप करवा लीजिए जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कीजिए उसके बाद ही राइड पर जाइए और कुछ कुछ चीज़ें जिसे आपको अपने साथ रखना चाहिए जैसे कि एक एक्स्ट्रा क्लच वायर तो थोड़ा सा टूल किट आपके पास हमेशा होना चाहिए क्योंकि रास्ते में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए सो so बाइक और राइडर के बारे में तो हो गया अब आते हैं कुछ सेफ्टी इशू के बारे में जो कि एक लॉन्ग राइड पे आपको बहुत ज़रूरी है ना करे कोई हादसा हो जाए तो ये सेफ्टी गियर्स ही आपको कम से कम नुकसान दिलाएगा सो so, सेफ्टी गियर्स से में फर्स्ट जो आता है वो है हेलमेट तो एज ए राइडर आपको एक हेलमेट चाहिए ही चाहिए तो सेफ्टी गियर में सेकेंड जो आता है वो है ग्लव्स मान लीजिए कि कहीं भी राइड कर रहे हैं आपका गाड़ी गिरता है तो हम क्या करते हैं कि आ, गाड़ी को छोड़ के हम जब गिरते हैं तब हाथ से सपोर्ट लेते हैं तो उसके वजह से हाथ का जो ये पोर्शन होता है तो ये छिल जाता है तो इसके लिए अगर आप एक ग्लव्स पहने हुए होते हैं तो आपका हाथ सेफ रहेगा क्योंकि यहाँ पे गार्ड होता है तो अभी तीसरा चीज़ जो है वो है आपका नी गार्ड नी गार्ड आपको चाहिए क्योंकि अगर आप गिर जाते हैं कहीं पर तो आपके नी जो है बहुत भी छिल जाते हैं तो इसके लिए अगर आप गार्ड पहने रहेंगे तो तो जो भी होगा इस गार्ड के ऊपर से जाएगा आपके पैर नहीं छिलेंगे तो उसके बाद आता है आपका एल्बो गार्ड अगर आप चाहें तो आप राइडिंग जैकेट भी पहन सकते हैं अगर आपके पास राइडिंग जैकेट नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप नी गार्ड और एल्बो गार्ड खरीद लीजिए क्योंकि उसका कीमत भी ज़्यादा नहीं होता है फॉर योर सेफ्टी अगर हो सके तो आप एक राइडिंग शू भी ख़रीद लीजिए क्योंकि राइडिंग शू आपके पैर की हिफाजत करेगा तो जो भी हो ये सेफ्टी गियर्स जो है ये आपकी सुरक्षा के लिए है और देखिए मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ये सेफ्टी गियर पहनने से आपका कोई एक्सीडेंट नहीं होगा या फिर कोई हादसा नहीं होगा मैं यही बोलना चाहूँगा कि सेफ्टी गियर से आपका जो नुकसान है वो कम से कम हो जाएगा और जितना हो सके आप ध्यान से राइड कीजिए आप स्पीड मेंटेन करके चलिए तो ऐसा कोई हादसा नहीं होगा जो नहीं होना चाहिए था सो so, इसके बाद आते हैं लगच पे जैसे कि मैं इस राइड पे यूज़ करने वाला हूँ ये शडल बैग तो शडल बैग ले जाने के फायदा है कि शडल बैग में बहुत सारा सामान एक साथ आ जाता है और अगर आप पिलियन राइडर लेके जा रहे हैं तो उसके लिए भी कंफर्टेबल हो जाता है तो इसीलिए मैं भी शडल बैग लेके जाऊंगा और इसके साथ मेरा एक और भी बैग रहेगा जिसमें मैं अपना लैपटॉप कैमरा का सामान वगैरह उसमें ऐड कर दूँगा तो अभी आते सामान क्या क्या लेना पड़ेगा देखिए सामान बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप कैसा कैसा सामान लेके जाना चाहते हैं या डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितना हो सके कम सामान लेके जाइए उन सामान को लेके जाइए जो कि आपको बहुत ज़रूरी है आई होप गाइज़ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और जो हमारे चैनल पे नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकन को दबा दीजिए क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो इसी के साथ साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो पर तो तब तक के लिए स्टेट यून टेक केयर एंड गुड बाय वाला जो राइड है मैं खुद जा रहा हूँ अकेले जा रहा हूँ मेरा होम मिनिस्टर या फिर मेरा बेटा कोई भी नहीं जाएगा